हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनोदा। मूकम्मा लॉक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कन्नड़ा का सुपरहिट मूवी सब जगह हाउसफुल चल रहा है ना कांतारा, उसको देखने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ना एक हफ्ते से इसकी टिकट के लिए ट्राई कर रहे थे मल्टीप्लेक्स में, दिन का 18 शो के बाद भी हमें टिकट नहीं मिल रहा था। फाइनली हमें आज 4 टिकट मिल गया, वो भी फ्रंट रो के। हमको रात का आखिरी शो का टिकट मिल गया। अभी 10 बजे का मूवी स्टार्ट है, हमें घर पे वापस आते आते सुबह का 1 बजे होने वाला है। अभी ना हम लोग खाना खा के मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। और ये मूवी तो हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि इस मूवी में हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल आचार विचार के बारे में दिखाया गया है। और शूटिंग भी हमारे बगल के गाँव में हुआ है। वो शूटिंग हुआ ना जंगल, वो तो हम देख भी चुके हैं। तो हमारा रिश्तेदार के घर पे जाने के लिए वही जंगल से गुजर के जाना पड़ता है। और इस फिल्म का डायरेक्टर और हीरो के कैरेक्टर निभाया ऋषभ शेट्टी, तो हमारा स्कूल में ही पढ़ा है। मतलब वो जो स्कूल में पढ़ा है ना, वही स्कूल में हम भी पढ़े थे। यूपी डिस्ट्रिक्ट का कुंदापुर तालुका कैरडी करके एक छोटा सा गांव में है उनका घर। उधर ही जन्म हुआ और कॉलेज सब उधर ही हो गए। कैरडी बोलेंगे तो हमारा गांव का बाजू वाला गांव है, और कैरडी में हमारा रिश्तेदार भी बहुत सारे हैं। इस फिल्म में जो भी दिखाया है ना, वो सब मैंगलोर उडुपी कुंदापुर का आचार विचार का और कल्चरल का बारे में ही है। अभी ये हाँ, किसी को भी अगर ये सब जाना है ना उडुपी कुंदापुर मैंगलोर के बारे में, तो एक फिल्म जरूर देख लेना। वैसे तो गांव का सारे गांव का मतलब हमारा देश का सारे गांव का आचार विचार थोड़ा थोड़ा सेम ही रहते हैं, और हम मनाने का तरीका और भगवान का नाम अलग होता है। आप अगर देखोगे ना, आपको भी समझ में आएगा, आपका गाँव में भी शायद ऐसा ही करते होंगे। इस फिल्म तो पूरा घना जंगल में शूटिंग किया, और बारिश दिन रात करके इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। और वो गांव ऐसा है कि उधर ठीक से दुकान भी नहीं है, रोड भी अच्छा नहीं है। ऐसा जंगल में इतना अच्छा मूवी का पूरा शूटिंग किया ना, वो सोच के इतना मस्त लग रहा था। गांव का एक लड़का इतना अच्छा हीरो डायरेक्टर बन गया, वो तो हमारे लिए बहुत मतलब बहुत खुशी की बात है। देखिए, फाइनली हम लोग सिनेमा हॉल पहुंच गए, भारत सिनेमा। मतलब दिन में आते हैं ना, ये हॉल का इतना अच्छा नज़ारा हमें देखने को नहीं मिलेगा। रात का टाइम हो गया तो इतना अच्छे से डेकोरेट, लाइट का डेकोरेट सब दिख रहा है। अभी तो सिर्फ कन्नड़ में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मूवी रिलीज हुआ है। 14 अक्टूबर को हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिलु ये सब लैंग्वेज में भी रिलीज़ हो रहे हैं। आप लोग ज़रूर एक बार देख लेना, आपको भी सच में बहुत पसंद आएगा। अभी मतलब YouTube, WhatsApp, Facebook सब जगह पे इतना अच्छा कमेंट रिव्यू देख देख के मुझे तो कब देखूंगी ऐसा हो गया। इसके लिए रात का भी चलेगा करके हम लोग ने टिकट बुक कर लिया। अभी इतनी रात को कभी टिकट फिल्म के लिए नहीं आए थे कि हम लोग अंदर आ गए। आप लोग देख सकते हो लोगों का भीड़, वो भी रात के टाइम पे एक गांव में इतना बड़ा ज़्यादा भीड़ लग रहा है। मतलब मूवी का आप भी सोच लीजिए कितना अच्छा मूवी है करके। अभी हम लोग अंदर एंट्री हो रहा है, और हम थोड़ा लेट भी हो गए, पार्किंग नहीं मिल रहा था तो थोड़ा लेट हो गया उधर ही। देखिए, फिल्म स्टार्ट भी हो गया। खाना खा के आए थे हम, फिर भी फिल्म में आके कुछ ना खाया तो बच्चों को मज़ा नहीं आएगा करके फिर समोसा लेके। फिर पूरा फिल्म ख़त्म हुआ होने के बाद हम अभी वापस घर के लिए निकल रहे हैं। देखिए, रोड में कुछ भी नहीं है, मतलब गाड़ी नहीं, इंसान नहीं है, बस 4-5 कुत्ते और उनका आवाज़ ही आ रहा था। दिन में तो इतना बिजी रहते ना ये रोड, पूरा ट्रैफिक में भर जाते। अभी रात का 1 बजे हो गया तो एकदम सुनसान खाली है। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, बाजू का सब जगह अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, और कुछ कुछ जगह पे स्ट्रीट लाइट ना, इसलिए अच्छा हुआ, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता था। मोबाइल में लाइट तो है, उसकी हेल्प से जाना पड़ता था। और हमारा गाड़ी घर की
पार्किंग तक नहीं आएगा। पहले हम जब रेंट के लिए लिया था ना, 1 महीना तो पार्किंग मिल रहा था। उसके बाद हमें इधर बाजू में घर, उनका वो जो रूम लिया ना, उसका बाजू में घर बन रहा था, तो उधर का काम की वजह से हमें गाड़ी अंदर तक लेके नहीं आ सकते थे, तो हमें थोड़ा चल के आने पड़ा। अभी देखिए आजू बाजू का घर में को थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं, बस हम लोग चल रहे हैं ना, हमारा पैरों का ही आवाज़ हमें सुनाई दे रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, एकदम सुनसान। कभी भी हम ए टाइम पे बाहर नहीं आए थे, आज ये फिल्म की वजह से ए टाइम का एक ऐसा सुनसान महसूस कर पाए हम। वो भी अच्छा ही लग रहा था, नया एक्सपीरियंस हुआ था हमें भी। ओके दोस्तों, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। अभी मैं वीडियो इधर ही ख़त्म कर लेती हूँ। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके मुझे सपोर्ट कर देना। फिर मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।